गाइस एक हादसा हो गया शादी में मेरे साथ, अभी बताता हूँ तुम्हें बाहर चल के कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हाँ जी, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब लोग अपने घर पे ठीक ठाक होंगे, मजे कर रहे होंगे। भाई मम्मी और जतिन गए थे फंक्शन में, मेरे को एक छोटा सा काम था, मैं वो करके नहा के और रेडी हूँ अब बाहर निकलने के लिए। मेरे पास गाड़ी नहीं थी क्योंकि स्कॉर्पियो जो हमारी है वो बंटी के पास है और जो थार है वो जतिन के पास है। स्विफ्ट और BMW कहाँ खड़ी हैं इनका मेरे को कोई अता पता नहीं है। मतलब बेसमेंट जो हमारा है इस बिल्डिंग का वो मैं गया ही न्यूज़ में, मतलब एक दो बार गया हूँ, पर सीधा ऐसा गया जतिन के साथ, गया बैठा और चला गया ऐसे, तो मेरे को पता नहीं कि गाड़ी कहाँ खड़ी होगी, इसलिए मैंने ज़्यादा ट्राई भी नहीं करा। रात ले से पूछ लेते हैं। हाँ जी प्रधान जी, मैं क्या कह रहा हूँ, क्या हाल है? हाँ हाल बढ़िया। लेटा लेटा इसने एक तो फोन थोड़ी दूर से देखे कर भाई, तू कैसे अभी से ही। अरे भाई व्लॉग देख रहा हूँ तेरा। तो व्लॉग भी देखा, थोड़ी दूर से देख, इतनी आंखों के पास रखेगा आँख खराब हो जाएंगे, ठीक है? हाँ मैं क्या कह रहा हूँ, वहाँ चलना है फोन लेने? तू पहनावा रहन दे, तैने दुआ दिए फोन में। अरे चल भाई, मैं तो कहने के लिए तो आया हूँ। आज वहाँ जाना है। कहाँ जाना? ब्याह में जा रहा हूँ मैं। तो फिर अभी टाइम कितना हुआ है? अभी हो रहा भाई 4:10। 4:10? हाँ। 5 बजे माँ छोड़ गानी है। कहाँ? वहीं यहाँ सर। अच्छा 5 बजे, इतनी जल्दी? 5 बजे। अच्छा, और 5:30 या 6 बजे मम्मी छोड़ गानी है। अच्छा, फिर मुझे खुद भी तैयार होना है। अच्छा, क्या क्या करूँ मैं? छोटा सा बना केक। हमने जाएंगे क्या? तुम्हें आ रहा है वो नहीं आया, मेरा निमंत्रण नहीं है। आपका नहीं है, भाभी जी का है। अच्छा मेरा अकेले का नहीं है, तो फिर मैं कहाँ जाऊँ? क्योंकि कोई जानता नहीं है आपको। फिर मैं जाऊँ कहाँ? जहाँ हम जा रहे हैं ना, तो उनके घर में आपको कोई जानता नहीं। मैं सही में ना जानते होंगे। कोई बात नहीं, फिर भी जाएंगे हम। मतलब मम्मी ने मेरे से पहले से कह रखी है कि भाई तेरी कितनी तारीख है? 24 तारीख और 26 तारीख, 2 दिन कोई काम मत रखियो अपना, जो मीटिंग वीटिंग। और 24 का आज, मतलब जो अभी जिस फंक्शन में ये लोग गए उसमें भी मेरे को ये था कि शाम को है, पर दिन में था, मेरे को पता ही नहीं था। फिर बाद में पता चला कि अच्छा दिन का था, मैं शाम का अपना फ्री करके बैठा था कि शाम को कोई काम नहीं है, कपड़े वपड़े सब कुछ तैयार करवा लिए हैं, दोनों फंक्शन निपटा दूंगा। पर नहीं, किस्मत को शायद यही मंजूर था। आप देखेंगे मम्मी जब कहेंगी तो मैं तो तब तैयार हो जाऊंगा। फिलहाल तो मेरे को एक बार एक छोटा सा काम के लिए निकलना है। ला भाई एक बार वो दे दे, थार की चाबी दे दे एक बार मेरे को। तू कहाँ जा रहा? जा रहा हूँ कहीं। वो कहाँ खड़ी है? BM कहाँ खड़ी है? नीचे बेसमेंट में। अगर नहीं बेसमेंट में गया फिर उसके बाद कहाँ जाऊँ? तो मैं इसका BM ने पियो ही ले भाई। थैंक्स ब्रो, आ रहा हूँ। तो मैं अरे लेके चल दूंगा। पूरी स्कीम बनाई जा रही है गाइस, पूरा सब कुछ सेट करके चल रहा है पहले से ही। मम्मी यार बाल टूट रहे हैं बहुत ज्यादा। ओए कल पूरे दिन घर रहना तुझे। क्यों मम्मी पूरे दिन? तो ना 11 बजे मम्मी एक बार बात सपोर्ट लेके जानी है। तो मेरे को लेके जाना है? क्यों? क्योंकि मैं कहीं जा रहा हूँ। अच्छा तो चल लेंगे फिर, इसमें काम है कल। चलो आप US? अरे दांत लेके सपने बड़े बड़े होते जा रहे हैं। अभी मैंने इससे खुद कही, मैंने कहा फोन ले आ, मैंने कही फोन ले आ, कह रहा भाई कहां बड़ा हुआ है फोन ले आ। तो भाई तू इससे पहले फंक्शन में चले गए हैं? ना आप तो रहने दे। ना ना तो चल भाई, चल रहे हैं। सोच ले। हां सोच ली। दांत ले मां मारेंगी बहुत, अगर माने पता चला कि लेट करवा देता फोन के चक्कर में। कोई बात नहीं, फोन इसका कर ले आएंगे, कर ले आएंगे। ना ना भाई आज ही चलेंगे, आज ही। मैं अभी जाके अपना कार्ड उठा लाता हूँ भाई। अभी चल रहा हूँ मैं तेरे साथ। चल तो चल। दांत ले मम्मी चल रहा अभी? मम्मी ना चले, मम्मी इंटरेस्टेड नहीं है हमारे साथ जाने में। मम्मी सोएंगे थोड़ी देर, मेरे को ऐसा लग रहा है। चाय पीऊंगी बना कर। अच्छा थोड़ी देर में काम वाली आएगी, तारा कमरा साफ करवाऊंगी। काम वाली आएंगी फिर मम्मी टेंशन में घूमेंगे थोड़ी देर की क्या कहाँ कहाँ झाड़ू। एक और नई शिफ्टिंग हो रही है गाइस, डेली डेली आ रहा है भाई, यहाँ भर जाएंगे मेरे को लग रहा है। कुछ दिन में भीड़ भड़क का हो जाएगा हमारे यहाँ सोसाइटी में। हमने ली तो इस चक्कर में थी कि खाली खाली सा था माहौल, बढ़िया। ये देखना कैसी लग रही है, मैं ये कल लिखा था, ये नई जीन्स समझ लो इसे, लोअर समझ लो, ट्राउजर समझ लो, कुछ भी समझ लो। और फिर ये इसे तुम समझ लो, थार समझ लो इसे, मच्छर समझ लो, बीस्ट समझ लो, बहुत सारे नाम दे रखे हैं तुम लोगों ने, पर अभी तक मेरा फाइनल हुआ नहीं है। हो जाएगा, कोई बात नहीं, थोड़ा सा टाइम लग रहा है। टाइम जब लोग किसी चीज़ में लगता है तो अच्छे के लिए लगता है, जो चीज़ें थोड़ा लेट होती है वो बढ़िया होती हैं। अभी तक इस गाड़ी में भाई बैक कैमरा लगा नहीं है, दांत ले, ये अच्छी बात तो है नहीं। ओ भाई इस गाड़ी का थोड़ा सा ना क्या है कि जो आगे का अंदाजा, जो जैसे ये वाला जो ये है ना बोनट से, ये इसका आइडिया कई बार कम होता है। क्या सही मौसम सा हो रहा है, बड़ा ही पॉजिटिव सा माहौल लग रहा है मेरे को तो आज, पता नहीं क्यों।
कुछ अच्छा होना चाहिए। वैसे नहा धो के निकलाऊ ना, जब नहा के थोड़ा दिन की शुरुआत करो या किसी भी चीज की शुरुआत करो तो ऑटोमेटिक अपने आप अच्छी फीलिंग आती है। आज रात को शादी में जाना है और मैंने जो कपड़े दांतले को बोला था कि मेरे ये कपड़े करवा दे ड्राई क्लीन, वो कह रहा है कि वो करवा दिए। मैंने कहा कहाँ है, कह रहा कल आएंगे। मैंने कहा जाना तो आज है, कह रहा वो तो 26 को पहनेगा ना तू। मैंने कहा दांतले आज पहनने थे, अब देखो आज रात को क्या पहनूंगा, कुछ खुद को भी नहीं पता मेरे को अभी। बड़ा ही विचित्र प्राणी है, कभी भी सरप्राइज दे देता है, और जबकि मैंने साफ साफ बोला था, मैंने कहा भाई मैं 24 को पहनूंगा, कह रहा तुम 26 कहा था। मैंने कहा अच्छा चलो आप कह रहे हो तो मान लेते हैं भैया। अब दो ही ऑप्शन बचे हैं, या तो कुछ जो रखे हैं घर कपड़े उनमें से पहन लूं, या फिर दूसरे ले आऊं एक जोड़ी नए। और नए कपड़े लाना ये तो हमेशा ही एक अच्छी वो होती है। तो देखते हैं, अभी निकलता हूँ अपने मच्छर को उठा के यहाँ से अभी। हाँ यहाँ से मतलब ऑफिस से पिक करके और सीधा निकलता हूँ, कपड़े लेके आते हैं। ऑल्दो कल लेके आए थे हम बहुत सारे कपड़े, मतलब मेरे बहुत सारे नहीं, मेरे तो थोड़े से, उसके बहुत सारे कपड़े लेके आए थे। थोड़े से क्या, मेरे तो एक ये जीन्स और एक चप्पल बस मेरे तो ये थे, उसके बहुत सारे लेके आए थे। पर जो शादी टाइप से वो नहीं है, हमने बस घर के और वैसे था मीटिंग में मतलब फॉर्मल्स लेके आए थे, शादी टाइप्स कपड़े नहीं थे, तो वो लेने जाएंगे अब। ये मच्छर देख लो शादी की शॉपिंग करते हुए घूम रहा है। ठीक है, मैं शॉपिंग नहीं कर रही हूँ, मैं काम पे गई हुई थी। हाँ, अभी क्या कर रही हो? झूठ क्यों बोल रही हो? अभी क्या कर रही हो? अभी तो मैं तुमको वो कुछ अर्जेंट मेरे को लेना था। इसको कुछ अर्जेंट नहीं, मेरे को किसी ने रोक लिया था, भाई ने एक ने फोटो वोटो निकाल लिया, तो कह रही एक काम करती हूँ मैं ना वहाँ मिलती हूँ। मैंने कहा दो मिनट रुक नहीं सकती तू, कह रही मैं वहाँ मिलती हूँ लेट, क्योंकि वैसे थोड़ा लेट हो रहा है इधर है वो, और ये लिफ्ट अपनी यहीं से नहीं चलना। 8:25 हो रहे हैं ऑलरेडी, और भाई ट्रैफिक देख लो तुम, पता नहीं हमारे साथ ऐसा हमेशा क्यों होता है, हम जानबूझ के लेट नहीं करते। चल भाई चलते रहो, किस बात का दुख है? हाँ, हर बार हम जानबूझ के लेट नहीं करते, पर हम हो जाते हैं इवेंचुअली, पता नहीं क्यों। भाई हमें यहाँ पे आना है, ठीक है, लेकिन अभी हम आ गए हैं, पर अभी हम आए नहीं है, क्योंकि अभी हम आए घर की चाबी लेने। ये आ गए मिस्टर जतिन शर्मा जी, इनसे लेने के लिए आए। क्या लग रहे हो ये लीजिए चाबी किंदर मारे हो थैंक्स मैन बस आ रहे चेंज करके आ रहे हैं ठीक है आ जाए दारू वारू खुलवा रहा है कि कर ले अरे दांत ले यार ये तो हीरो से लग रहा है यार और मैं क्या पहन के आऊंगा मेरे पे कपड़े दे ही है इस दांत ले पे मेरे कपड़े पता क्या कर रखा है घर चल के देखते हैं चलो क्या रखा है क्या नहीं। मासूम जलेबी, दूध रबड़ी और ये क्या चीज है, क्या नाम था इसका, क्या था ये नाम भूल गया, रसमलाई। मम्मी ले लो कुछ तो, ले लो कुछ तो, ले लो यार, आवाज कम करवाऊं डीजे की, डीजे की आवाज कम करवाऊं। गाइस एक हादसा हो गया शादी में मेरे साथ, अभी बताता हूँ तुम्हें बाहर चल के कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। कुछ तो मैच हो, थोड़ा सा है। लेकिन मेरे साथ एक हादसा हो गया मम्मी, बहुत बड़ा, अभी बताता हूँ तुम्हें, बाहर चल के बताता हूँ, यहाँ तो मैं शर्म से मर जाऊंगा। हादसा दिखा रहा हूँ, हादसा देख क्या होगा मेरे साथ। रुक जा। आए थार में थे, जाएंगे हबीबी में, क्योंकि हम दो आए थे, अब तीन जा रहे हैं, और साड़ी में मम्मी को भी दिक्कत आएगी पीछे जाने में, उस मच्छर को भी दिक्कत आएगी, है ना। तुम पीछे चल जाना। चलाएगा कौन? मैं। अच्छा हाँ, ऐसे कर सकते हैं यार। हाँ। तो फिर मना करूँ इसे? आ जा इधर। भाई मैं मम्मी को आगे बैठने के लिए कह रहा था, मम्मी आगे नहीं बैठी और पीछे बैठ गई, और फिर ये मच्छर भी पीछे बैठ रही थी। बेइज्जती करवा दूंगा दोनों पीछे बैठ के।
मैं कोई ड्राइवर हूँ। बाकी सारी बात तो ठीक है, लेकिन जो मेरे साथ ये हादसा हुआ है मैं इसके साथ बिल्कुल वो नहीं हूँ। अगर चलो ये तो मम्मी शुक्र है कि कुर्ता था लंबा है, हैं कुर्ता पहन रखा है तो भाई लंबा है तो चलो चल गया। अगर ऐसे मैं तो तेरी गल पता क्या होना चाहिए, हाँ। पैंट शर्ट पहनने तू, हाँ। और पीछे पैंट फट जाओ और मेरे को पता भी ना चले, हैं भाई बहुत गलत सीन हुआ, पता ना एकदम से कैसे हो गया, पर ठीक है कुर्ता था इसलिए बच गई और इसीलिए हो गया शायद। मैं थोड़ा सा ना वो हो गया था क्लम्सी हो गया था मैं थोड़ा सा। मम्मी का भाई अब मम्मी कैसे मम्मी जी बहुत देर तो बैठी ना दोनों तरफ तो ये ढोल और ये बज रहे तन मेरा मेरे तो बर्दाश्त नहीं होती। हां मम्मी वहां ढोल बज रहा डीजे बज रहा हम मम्मी की साइड देख रहे हैं मम्मी उदास बैठी है ना। मेरे सब कुछ गर्दन वर्दन इनके मम्मी क्या हो गया कह रही अरे बहुत आवाज धुम धुम हो रही है मेरे। मैंने कहा मैं समझ गया मम्मी को ज्यादा आवाज थोड़ी सी ना कम पसंद है, मतलब शोर शराबा थोड़ा सा कम पसंद है तो इसलिए हम आ गए। कोई बात नहीं मम्मी अब थोड़ी देर रेस्ट करोगे ठीक हो जाओगे, पर मेरे साथ गलत हो गया भाई बहुत गलत हो गया, ये तो थोड़ी सी वैसे हो गई याद रखने वाली हो गई यादगार लम्हा देखना गलत सीन। भाई मेरी मम्मी और ये मच्छर ठीक है ये दोनों मेरे को बोल रहे हैं कि किसी को पता थोड़ी था तेरा ये फट गया तू क्यों दिखा रहा है, और ये कह रही है कि मेरे घर वाले भी देखते हैं इधर देख क्या बोल रही थी कि मेरे घर वाले भी देखते हैं ऐसे। मैंने कहा भाई इसमें गलत क्या है, एक बात नहीं कहा से इतने सस्ते कपड़े लिए, सस्ते कपड़े नहीं है पहली बात तो ठीक है वो सबको पता है ठीक है, दूसरी चीज क्या सबको पता है कि मैंने पहन सस्ता अगर सस्ते भी पहन रखे तो मैंने पहन लिया तो वो महंगे होते हैं। के कपड़े होते हैं वो फटते नहीं है बेटा ब्रांडेड होते हैं ये वो फटते हैं वो फटते नहीं कह रहे वो फटते नहीं है। चलो वो तो जो भी है सस्ते महंगे की तो बात अलग हो गई ठीक है। दूसरी बात ये है कि अगर ये बात कह रहे हो कि पता नहीं तो क्यों बताया, मैंने कहा इसमें क्या हो गया भाई बताने में कोई बुराई है, इसमें कोई गलत चीज तो है नहीं मम्मी, है कोई गलत चीज गलत तो कुछ ना है बताना भी चाहिए सच्चाई तो सामने आनी चाहिए बस, तो सामने तो क्या आनी चाहिए ऐसा तो खतरनाक कोई सच है नहीं, पर इसमें बताने में भी क्या है मैंने बता दिया भाई इसमें मैं दिल का साफ आदमी। लो जय महाकाल। चलिए चलिए मैडम चलिए भाई, बस एक चीज़ जो मेरे दिल पे लग गई अभी उसको मैं वो दूंगा सजा दूंगा, इस पजामे ने मेरी बेइज्जती करवाई है ना देखना मम्मी, एक बार आवाज़ मत करना कोई भी ठीक है एक मिनट चुप रहना सब ठीक है पता ना एक मिनट सब चुप अंदर का और पड़ जाएगा नहीं एक मिनट थोड़ा सा रह गया अभी रुक जाओ एक बार दोबारा सुन, अरे भाई फटना रहा आपने फट रहा है देख लो आप एक मिनट रुको आप फटेगा मेरे बेइज्जती करवाई इसने इसको सजाना दूं। आई आवाज तो एक मिनट 1 2 3 लो सब कुछ फट गया नो नहीं अब मेरे को तसल्ली मिली है हम बेहतर यार बेइज्जती हो गई वहाँ मतलब बेइज्जती क्या हो गई मेरे को अपने आप में अजीब लगा इसलिए मैंने कहा आज के बाद पहनूंगा नहीं इसे। दांत ले देख कहाँ है तू ये देखो इधर कहाँ है अरे दांत ले इधर है कहाँ है जादू फाड़ दिया अरे तो पहना हुआ जब थोड़ा फटा था तो मैं इसने सही करवा देता। इज्जत भी तो कोई चीज़ है क्या चीज है हम पैर लेते भाई अब सिलवा ले तू इसे अब सिले हो ज्यादा ना फटा दिखा एक बार कितना फटा है चल जाएगा चल जाएगा तू तो पहन ही सके कहाँ जा रही हो बता दो कहाँ जा रही हो क्या करने जा रही है ये तो बता दो कीवी से मिलने कीवी के पास जा रहे हैं हम क्योंकि कीवी हमारे बिना खाना नहीं खा रही। भाई हमारा सोने का टाइम हो गया है और ये खेलना चाह रही है अभी कीवी खेलेगी और ये योगर्ट खा रही है अभी मच्छर खेलेगी हैं सो जा चा जा सो जा अगर स्कूल जाना है ना सुबह चल ड्यूटी जानी सैटरडे अच्छा कल सैटरडे क्या छुट्टी है क्या बैंक में लग रही है ना तू चल सो जा चुपचाप जाके चल हम मूवी देख लेते हैं ठीक है कुछ बढ़िया सा गुड नाइट गाइज कल मिलेंगे अगले व्लॉग में तब तक के लिए लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब इस भालू के नाम पर सब कुछ कर देना ठीक है पता चले अब कम लाइक मिले चलो अगले व्लॉग में मिलते हैं बाय बाय।